हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नितिन शाक्या. मेरा नाम है डॉक्टर नितिन शाक्या एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू सम ऑफ द प्रिकॉशंस विद रिस्पेक्ट टू द फूड आइटम्स. जो हम आजकल रोज़मर्रा के टाइम पे फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19. राइट, जो कोविड-19 डिसीज़ फैली हुई है वायरस की, उसमें हमें फूड आइटम्स को यूज़ करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करिएगा, बिकॉज दिस डिसीज़ इज़ वेरी ड्रेडेड डिसीज़ एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट. राइट नाउ, सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर ब्रॉडली 3 कैटेगरी ऑफ फूड आइटम्स. राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर 3 वेराइटी ऑफ फूड आइटम. यहाँ पे 3 वेराइटी है फूड आइटम की. फर्स्ट वेराइटी इज़ द पैक्ड फूड आइटम विच इज़ कमिंग इन हार्ड कंटेनर. फर्स्ट फूड वेराइटी है जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं जो कि हार्ड कंटेनर में आ रहे हैं, जैसे कि ऑयल, घी. राइट, इस तरह के आइटम्स हमने फर्स्ट कैटेगरी में रखे हैं. नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ फूड आइटम्स आर दोज फूड आइटम्स विच आर फ्रेशली अवेलेबल फूड आइटम्स. सेकेंड कैटेगरी में वो वाले फूड आइटम्स हैं जो कि फ्रेशली अवेलेबल हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स एट्सेट्रा. थर्ड कैटेगरी इज़ द फूड आइटम विच इज़ रेडी टू ईट फूड आइटम्स. राइट, तीसरी कैटेगरी में रेडी टू ईट फूड आइटम्स आते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर एट्सेट्रा. आई होप आपको ये 3 कैटेगरी जो है फूड आइटम्स की वो क्लियर हो गई होगी. राइट नाउ, there are various different kinds of precautions which we need to take with respect to prevention of getting infected with the COVID-19 से infection को prevent करने के लिए हमें इन तीनों food items को अलग से deal करना पड़ेगा और कुछ सावधानियाँ लेनी पड़ेगी, तभी हम इन food items को अच्छे से consume कर सकते हैं. These precautions are very simple. ये precautions बहुत simple है, but you need to be properly attentive to know what are these precautions. Right, so coming to the first category of food item, first category of food item humne kya kara tha, first variety tha jaise ki oil and ghee jo ki hard surface mein aata hai, right, already packed food mein. So here I would like to tell you that according to the research jo ki abhi tak research hui hai usme ye paya gaya hai कि मेटल के ऊपर कोविड-19 का जो वायरस होता है वो अराउंड 72 आवर्स तक सस्टेन करता है. राइट, सो दिस कोविड-19 सस्टेन्स फॉर अराउंड 72 आवर्स ऑन मेटल सरफेस. दिस इज द रिसर्च एज पर डेट. इन फ्यूचर इट माइट चेंज, माइट नॉट चेंज. सो हमें अभी क्या देखना है कि जो मेटल वाला सरफेस है या जो पैक्ड फूड आइटम आ रहा है हार्ड सरफेस में, उसको हमें कैसे क्लीन करना है. राइट, अगर आप कोई घी का कंटेनर लाते हैं, तेल का कंटेनर अपने घर में लाते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी सैनिटाइज़र, यस सैनिटाइज़र जो कि आप यूज़ करते हैं जिसमें एटलीस्ट 70% अल्कोहल हो, उस तरह के सैनिटाइज़र से आपको उस जो पैक्ड फूड आइटम का जो डब्बा है उसको क्लीन करना है. यू हैव टू क्लीन दैट कंटेनर विथ द सैनिटाइज़र. राइट, उसके बाद यू कैन यूज़ दैट. राइट, सो दिस वॉज द फर्स्ट वेराइटी ऑफ फूड आइटम. देन सेकेंड वेराइटी, अब दूसरी वेराइटी के बारे में बात करते हैं. सेकेंड वेराइटी ऑफ फूड आइटम आर द फ्रेशली अवेलेबल फ्रूट्स. फ्रेशली अवेलेबल फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, एप्पल्स, वेजिटेबल्स. सो आप लोग बाजार में जाते हैं, बाजार से वेजिटेबल्स को लेके आते हैं और उसको आपको कंज्यूम करना होता है. नाउ इसके बीच में क्या आपको करना है, कैसे वेजिटेबल्स को क्या स्टेरलाइज करना है, क्या उसको अल्कोहल में डालना है या फिर वार्म वाटर में डालना है या धूप में रखना है. राइट, इस तरह की काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं. सो दिस इज़ द आंसर दैट यू हैव टू क्लीन द वेजिटेबल्स विद फ्रेशली अवेलेबल वाटर. राइट, यू हैव टू कीप द वेजिटेबल्स इन अंडर द रनिंग वाटर टैप या फिर जो आपके पास फ्रेश वाटर है उसमें एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए आप अच्छे से उन वेजिटेबल्स को धोएंगे और उसके बाद उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं. दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू विच
item with respect to freshly available items like vegetables and fruits. Then there is a third category of food item, which is the ready-made food item, ready-to-eat food item. तीसरा category है जो ready-to-eat food item है, जैसे कि pizza, burger, etc. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो virus होता है, virus food items के through spread करना बहुत ही कम देखा गया है, बल्कि ना के बराबर है. It is the wrapper, जो उसके ऊपर जो wrapper होता है, ये जो कवरिंग्स वगैरह होती हैं उसके थ्रू, एरोसोल्स के थ्रू आप में ट्रांसमिट हो सकता है. इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू फूड आइटम. फूड आइटम को अगर आप खाएंगे तो उसके थ्रू ट्रांसमिट होने का चांस ना के बराबर है, लेकिन जो उसकी हैंडलिंग होती है, जो बाहर का रैपर है, उसके थ्रू हो सकता है. तो जब भी आपके पास जो पिज़्ज़ा बर्गर आ रहा है, हैंडल इट सेफली विथ क्लीन हैंड्स. उसके बाद उसको निकाल लीजिए, जस्ट रिमूव द रैपर एंड विदाउट टचिंग दैट फूड, जस्ट उसको निकाल लीजिए ऑन अ ऑन क्लीन क्लीन कंटेनर, जो कि आपका टेबल कुछ प्लेट है या कटोरी है, उसमें उसको निकाल लीजिए. देन यू कैन कंज्यूम इट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड. अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो तीनों वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स हैं, इन सब में सबसे पहले आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है, इनको वॉश करने से पहले यू हैव टू क्लीन योर हैंड. इनको वॉश करने से पहले आपको अपने हाथ धोने हैं, और इनको वॉश करने के बाद भी आपको अपने हाथ धोने हैं, राइट? और हाथ कितनी देर तक धोने? 20 सेकेंड तक. यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स बिफोर ओपनिंग दीज फूड आइटम्स एंड आफ्टर ओपनिंग दीज फूड आइटम्स. सो ये प्रिकॉशन आपको लेना ज़रूरी है. अब कुछ एक पते की बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. कुछ लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, देयर इज अ मिसकंसेप्शन इन सम पीपल दैट दे शुड क्लीन द फ्रेशली अवेलेबल फूड आइटम, जो आपका वेजिटेबल्स हैं या फिर ऑरेंजेस हैं, उसको सोप में डाल के वॉश करें, या फिर उसको अल्कोहल में या सैनिटाइजर में डाल के वॉश करें. सो ये काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू इस तरह का मैसेज जा रहा है, या फिर एक मिसकंसेप्शन एक स्प्रेड हो रखा है. दिस आई वांट टू क्लैरिफाई, दिस फ्रेशली अवेलेबल फूड आइटम लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, यू शुड नेवर यूज़ द अल्कोहल और सोप वाटर, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग सोप दैट गोइंग इनटू योर स्टमक कैन इरिटेट योर स्टमक. एक्सेस अमाउंट ऑफ सोप अगर आपके स्टमक में जाएगा तो स्टमक इरिटेशन कर सकता है, तो आपको दूसरी दिक्कतें बहुत हो सकती हैं. एज पर द रिसर्चेस गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैक्सिमम रिसर्च हैज सपोर्टेड दैट द फ्रेशली अवेलेबल फूड आइटम्स शुड बी क्लीन विथ वाटर, प्लेन वाटर. बिफोर दैट यू हैव टू क्लीन योर हैंड, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लीन योर हैंड. सो this is with respect to using the basic groceries. Now agar aap shop pe jate hain in groceries ko khareedne ke liye, tab aapko jo basic safety measures rakhne hain, social distancing ko follow karna hai, मुंह पे कभी भी छींक आती है तो उसको cover करना है, या फिर mask लगाना है, या फिर hanky में करना है, एक distance maintain करके रखेंगे, अपने साथ वालों को motivate करेंगे to follow the social distancing, right? I hope I have given you the basic message. You should circulate this to all of the people, all your near and dear. This is not for promotion. It is for public safety, because I am getting many calls, many messages that people are not clear with respect to this. And I belong from a medical field, and presently in the administration, it was my responsibility to tell you the basic facts, how you should handle the freshly available vegetables or the packed food items, right? So this is the basic trick or the basic precaution which you should take to prevent the disease COVID-19. I hope you will win this war, and you have any query, you can ask me in the comment box, right? Thank you very much.